नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बेंगलुरु में देश का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी तस्वीरें साझा की। पहली नजर में एयरपोर्ट सा दिखने वाला ये स्टेशन 4200 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसे तैयार करने की कुल लागत 314 करोड़ रुपए बताई गई है। रेलवे स्टेशन का नाम सर एम विश्वेश्वराय टर्मिनल है। आपको बता दें, एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन भी पूरी तरह एसी की सुविधा से लैस मिलेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है और देश का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे स्टेशन बेंगलुरु में बनकर तैयार हो गया है। दरअसल रेल मंत्री पीयूष गोयल ने खुद इस एसी रेलवे स्टेशन की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। अगर आप इस रेलवे स्टेशन की तस्वीर को पहली बार देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह लगेगा। मिली जानकारी के मुताबिक इस स्टेशन पर 50,000 लोगों तक की आवाजाही आसानी से हो सकेगी। इतना ही नहीं, नए टर्मिनल पर एक फुट ओवर ब्रिज और दो सबवे भी है जो सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं। गौरतलब है कि सर एम विश्वेश्वराय टर्मिनल पर 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। इसके अलावा एस्केलेटर्स और लिफ्ट्स की भी सुविधा है। स्टेशन से हर दिन 50 ट्रेनों की आवाजाही होगी। इस रेलवे टर्मिनल पर वीआईपी लाउंज की भी व्यवस्था है जहां लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। लाउंज में टाइम पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम की भी व्यवस्था होगी और इसके साथ ही एक शानदार फूड कोर्ट भी बनाया गया है जहां आप अपनी इच्छा का खाना और नाश्ता खा सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।